केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में रायबरेली को पहला स्थान मिलने पर जिलाधिकारी ने इसका श्रेय अपने मातहतों को दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि नगर पालिका समेत अन्य विभागों ने शहर को बेहतर बनाने के लिए जी जान से मेहनत की है, जिसका नतीजा है रैंकिंग में प्रथम आना। इस सर्वेक्षण में यूपी के 4 शहरों आगरा, फिरोजाबाद, झांसी और रायबरेली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 131 शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति का मूल्यांकन कराने के बाद यह परिणाम जारी किया गया है। इन शहरों को 7 सितंबर को जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। रायबरेली 3 लाख तक की आबादी वाली श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने शहर को स्वच्छ बनाने जाने के लिए रोड किनारे की पटरियों, नाली की सफाई, ट्रैफिक लाइट और फ्लाई ओवर्स पर की गई लाइटिंग के साथ पर्यावरणीय कार्यों को प्रथम स्थान दिलाने में सहयोगी बताया है। देखिए, इसमें जनपद में एनकैप यानी कि क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत विभिन्न स्टेप्स लिए गए थे। पूर्व में हमारे यहाँ जो परिस्थितियाँ थी उनको देखते हुए मुख्य रूप से सड़क की जो पटरियाँ हैं उनको डेवलप करने का कार्य, सड़कों की मरम्मत का कार्य, पार्किंग और ट्रैफिक को रेगुलेट करने का कार्य के साथ ही साथ सफाई पर हम लोगों ने ध्यान दिया है। और यहाँ पर हम लोगों ने स्प्रिंकलर मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया है और रोड स्वीपिंग मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया है। उसके उपरांत ये जो रिजल्ट्स हैं उनको ये देखने को मिले। वही उत्तर प्रदेश के कासगंज में महिला अधिवक्ता की हत्या के विरोध में आज अलीगढ़ में अधिवक्ताओं ने जोरदारी से प्रदर्शन किया है। सैकड़ों अधिवक्ता अपने चैंबरों को छोड़कर सड़कों पर आ गए और जमकर प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि महिला अधिवक्ता के हत्यारों को तुरंत सजा दी जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। महिला अधिवक्ताओं ने कहा कि भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। महिला अधिवक्ताओं का कहना है कि देश में जंगल राज कायम है। महिला अधिवक्ताओं का कहना है कि पहले बंगाल में एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई, उसके बाद अब कासगंज में भी महिला अधिवक्ता की हत्या की गई है। अलीगढ़ में अधिवक्ताओं के साथ चौपाल को हमारी एक महिला अधिवक्ता थी कासगंज की मोहिनी तोमर, जो कि क्रिमिनल की अधिवक्ता थी, उनको 3 तारीख को 2:30 बजे दीवानी गेट से वहां अगवा कर लिया गया और उनकी 4 तारीख को एक बहुत बुरी हालत में, नग्न अवस्था में और उनकी डेड बॉडी मिली रजपुरा नहर में। उनकी एक ब्रूटली और उनके साथ गलत कुछ हो के और उनका ये मर्डर किया गया है। मेरी जो ये पहले तो क्वेश्चन मेरा सरकार से है कि सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब सरकार ये कहती है तो आज वो सरकार का, योगी जी का वो बुलडोजर कहाँ गया? आज योगी जी एक महिला अधिवक्ता जो कि समाज का अहम हिस्सा है, पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ हो गया, वो भी एक अहम हिस्सा थी, तो आम महिलाओं की सुरक्षा तो बहुत दूर की बात है। जो किसी पद पे आसीन है, जो समाज के लिए कार्य कर रही है, उनके पहले हत्यारों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार करें, उनके घर पे बुलडोजर चलाएं, उन्हें फास्ट ट्रैक ट्रायल दें, उनको 1 महीने के अंदर फांसी की सजा बुलाएं। अगर अगला और मैं तो यहाँ तक कह रही हूँ कि अगर पुलिस 3 तारीख को हमारी एक महिला अधिवक्ता थी कासगंज की मोहिनी तोमर, जो कि क्योंकि कासगंज में एक लेडी एडवोकेट के अगेंस्ट रेप एंड मर्डर का केस सामने आया है और पुलिस ने उसको बहुत डिले किया और ऐसे केसेस में डिले करने का मतलब होता है कि जो अक्यूज हैं, जो मुजरिम है, उनको पकड़ने में बहुत मुश्किल होगी और उसको डिले करते रहे और आज और जबकि उसकी जिस हालत में बॉडी बरामद हुई है उसे बहुत क्लियर था कि रेप और मर्डर का केस है। और हमारी यही डिमांड है कि जो जितने भी मुजरिम हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उनको फांसी दी जाए। और जैसे गवर्नमेंट इस वक्त हर ऐसे मुजरिम के लिए बुलडोजर की कार्रवाई करती है, इसी तरीके से इनके अगेंस्ट भी बुलडोजर कार्रवाई की जाए। जनपद कासगंज में महिला अधिवक्ता की हत्या के उपरांत यह ज्ञापन दिया गया है। इसमें अधिवक्ता सुरक्षा, विशेष तौर पर जो महिला अधिवक्ता की सुरक्षा है, उस परिप्रेक्ष्य में यह ज्ञापन दिया गया है। इसका शीघ्र प्रसारण करा दिया है। जाम भी लगा हुआ है? जाम भी लगा हुआ नहीं, वो ज्ञापन दिया गया है। इनके द्वारा जो है थोड़ा प्रदर्शन किया गया था, बातचीत करके इसको जनपद
खबर अलीगढ़ से है, जहां कोड़ियागंज नगर पंचायत के सभासदों ने चेयरमैन के पति कुलदीप सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भ्रष्टाचार और मनमानी करने का आरोप लगाते हुए सभी 11 सभासदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। सभी सभासदों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। सभासद शाहरुख गाजी ने कहा कि कुलदीप सिंह सभी सभासदों का अपमान करते हैं और ऑफिस में दबंगई दिखाते हैं। कहते हैं कि अपना अपना काम करो, मैं अध्यक्ष हूं, जो मैं कहूंगा वही होगा, तुम बस हस्ताक्षर करने का अधिकार रखते हो। सभासदों ने कहा कि उनकी समस्या पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। नगर पंचायत कार्यालय में तानाशाही की वजह से हम यहाँ अपना इस्तीफा देने आए। जो चेयरमैन साहब कुलदीप सिंह जो प्रतिनिधि हैं कलमन सिंह जी के, वो तानाशाही करते हैं और 1.5 साल में यहाँ तक बच्चे कार्यकाल में 5 या 6 मीटिंग बोर्ड में हुई है। और बोर्ड मीटिंग की अगर हम कहते हैं तो कहते हैं कि आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। अपना आपको क्यों लिखने का, आपको किस तरह की समस्या आ रही है? हमें अगर कोई भी डाइट की समस्या आती है, वार्ड में सफाई की समस्या आती है, सफाई की समस्या आती है तो सफाई पर भी हम कहते हैं कि आप कुछ नहीं हो, आपको जिससे शिकायत करनी है आप करिए, हम यहाँ के चेयरमैन हम हैं और यहाँ केंद्र और राज्य में सरकार हमारी है, आप कुछ नहीं करिए। आपको आज भी हम मिलकर आए हैं चेयरमैन साहब से कि आप यही मान जाइए गाँव की बात। वहीं रायबरेली में भारतीय खाद निगम के गोदाम में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां गेहूं में कीड़े लगने का मामला उजागर हुआ है। दरअसल गोदाम में रखे गेहूं में पिछले दिनों कीड़े लगने की उजागर हुई खबरों का संज्ञान लेकर लखनऊ से जांच टीम पहुंची थी। जांच टीम ने गेहूं में कीड़े लगे होने की बात खुद कैमरे पर स्वीकार की है। दरअसल ITI मोड़ स्थित FCI के गोदाम में रखा गेहूं के भंडारण की लापरवाही या फिर रेक हैंडलिंग के चलते भीग गया था। भीग जाने के कारण ही उसमें कीड़े लग गए थे। मीडिया में ऐसी खबरों का संज्ञान लेकर लखनऊ से यहां पहुंची जांच टीमों को भी गेहूं में कीड़े मिले हैं। हालांकि उन्होंने बारिश के दिनों में इसे सामान्य प्रक्रिया बताया है। हम आपको बता दें कि इस वर्ष रायबरेली की गेहूं खरीद MSP किसानों को रास नहीं आई, इसी के चलते यहां तकरीबन 90% गेहूं पंजाब और हरियाणा से आ रहे हैं, जबकि 10% गेहूं की स्थानीय सरकारी खरीद के जरिए मिल सका है। लखनऊ से चलकर आए हैं सर, आज यहां पे जांच किया है, क्या निकल के आया सर? ऐसा कुछ जांच में था नहीं, मेरा ये रेगुलर इंस्पेक्शन था। जो अभी सैंपल लिया, अभी सैंपल ड्रॉप किया है, अभी सैंपल उसकी जांच चल रही है और वो ऐसे जो टाइम से जो देखा है तो उसमें सारा मानक के अनुरूप ही पाया गया है। जो गेहूं और चावल का आपने चेक किया है उसका क्या निकल गया है? कहीं कोई कीड़े वगैरह तो नहीं निकले उसमें, कुछ ऐसा मिला? कीड़े तो निकले हैं, थोड़े बहुत कीड़े हैं, मतलब जो मानक के अनुरूप ही जो थोड़े बहुत अभी जैसा क्लाइमेट है इसमें रहते हैं जो कीड़े वही सर का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। अभी ट्रीटमेंट और कुछ मतलब कवर भी है स्टॉक और कुछ और। ये अन्ना का रायबरेली की जो कैपेसिटी है वो 71,214 MP है, जिसमें कि 33,000 MP लगभग गेहूँ है हमारे पास इस भंडारी और 34,000 MP चावल भंडारी। तो ये ज़िले का गेहूँ है कि कहीं बाहर से मंगाया जा रहा है? गेहूँ है, इसमें अधिकतर मोर देन 90% जो गेहूँ है वो पंजाब और हरियाणा से आया हुआ है, क्योंकि यूपी में इस बार खरीद नहीं हुई थी तो हमें बाहर से गेहूँ मंगाना पड़ता है। कितना मंगाया जा रहा है अभी? लगभग प्रतिमाह हमारे पास 10,000 MT गेहूँ आ रहा है, 4 से 5 रह के आती है। क्या रेट्स रहते हैं बाहर के? रेट इनके रेट जो है करीब करीब 42 वैगन की एक रैक करीब 50 लाख के आसपास का भारत सरकार। कुछ गेहूं खराब होने की बात आई है, क्या निकल के आया जांच में? आज टीम भी आई है लखनऊ से, सारी जांच की गई, चेक किया गया और सारा स्टॉक सही पाया गया, मानक के अनुरूप पाया गया, कहीं कोई गेहूं या कोई भी खाद्यान्न खराब है। वहीं रायबरेली जिले में लूट की घटना रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक आपराधिक वारदातों से जिला थर्राया हुआ है। मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के टीकर अगाचीपुर गांव के पास का है, जहां अभिषेक त्रिवेदी पुत्र भोला निवासी रोजिया बर्थडे पार्टी में फोटो खींचने जा रहा था, तभी बिना नंबर की पल्सर गाड़ी से आए 3 बदमाशों ने फोटोग्राफर की बाइक ओवरटेक करके उसको रोक लिया गया और मारपीट करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। तीनों बदमाशों ने 2 मोबाइल
1200 रुपए और एक बड़ा कैमरा जिसकी लगभग कीमत 2 लाख रुपए थी लूटकर आराम से फरार हो गए। पीड़ित की सूचना पर पहुंची पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद जल्द से जल्द लूट की घटना का खुलासा करने का निर्देश दिया। खबर रायबरेली से है जहां शहर कोतवाली के सिविल लाइंस क्षेत्र की घटना है जहां महिला सुरक्षा की धज्जियां उड़ती नजर आई। आपको बता दें कि सरेराहा छात्रा को पीटने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि युवक ने छात्र को इतना पीटा कि छात्र लहूलुहान हो गया। वहीं अज्ञात कारणों से युवक छात्रा को पीट रहा था। वहीं इतना बवाल देखकर स्थानीय राहगीरों ने आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं हमले में घायल युवती को पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया। अभी फिलहाल घायल युवती का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं पंजाब के हर शहर में सीवरेज का इतना बुरा हाल है कि सीवरेज की डिगिया बिना ढक्कन से लोगों की मौतें हो रही हैं और मौत का कारण भी बन रही हैं। ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा हुआ है बठिंडा जिले के विधानसभा हल्का मोड़ मंडी शहर में, जहां एक कीटनाशक दवाइयां के व्यापारी नौजवान सिकंदर सिंह वाशी घुमन कला की उस समय मौत हो गई जब वह अपनी फैक्ट्री से घर आ रहा था। उसकी मोटरसाइकिल सीवरेज की बिना ढक्कन वाली डिग्गी में जा गिरा जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बारे में बरसों ने बताया है कि इसकी जान नगर पालिका की प्रदान की गई अनघेली से हुई है, क्योंकि शहर के सीवरेज का इतना बुरा हाल है कि हर गली में गंदा पानी रुका हुआ है। मेरा नाम सुखजिंदर सिंह है जी, पिंड घूमण गला जी। की मामला है, की कहना चाहना? ये मामला जी, सिकंदर सिंह ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੌੜ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਉਹ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਹੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈੱਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌੜ ਵਾਸੀ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਨੀਂਦ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਡੈੱਥ ਹੋਈ, ਘਰ ਮੁੱਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਾਟਾਂ ਕਰਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਨਾ ਪੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੌੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌੜ ਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਜਾਂ ਬੂਟ ਲਿਬੜੇ ਟੱਪ ਜਾਓ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੀਲੇ ਹੈ, ਟੋਏ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਲਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਰਹਿਸ਼ੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬੜੇ ਪਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੇਨ ਹੋਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਲੇ ਪਲੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨ वहीं लखीमपुर खीरी के दौरहरा कोतवाली क्षेत्र में सुबह करीब 5 बजे कफारा मार्ग पर टापरपुरवा गांव के निकट एक डीसीएम और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक और डीसीएम के चालकों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रक में सवार एक अन्य घायल हो गया। दौरहरा कफारा मार्ग पर टापरपुरवा अमेठी गांव के निकट डिग्री कॉलेज के पास एक ट्रक सामने से आ रही लकड़ी भरी डीसीएम से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नेत्रदान पखवाड़ा बनाया जा रहा है। वहीं आज जिला चिकित्सालय छतरपुर द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को नेत्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर G.L. अहिरवार ने बताया है कि लोग इस संसार से जाने के बाद भी अपनी आंखों से किसी के जीवन में रोशनी ला सकते हैं और इसके लिए नेत्रदान आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत 25 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा बनाया जा रहा है। उसी तारतम्य में ये जागरूकता रैली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और जिला चिकित्सालय छतरपुर के सहयोग से निकाली गई है, जिसमें अस्पताल प्रबंधक के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर जो कि 25 अगस्त से 9 सितंबर तक चलता है, नेत्र विभाग द्वारा एक महापरिवार का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सभी जिला चिकित्सालय के चिकित्सक
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी चिकित्सक और डिप्टी कलेक्टर सर भी आए हैं और इस रैली के माध्यम से हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि मरते वक्त आप नेत्र का दान कीजिए जिससे किसी अंधे आदमी को पुनः रोशनी मिल सके। और इसका जो ये है कि आँख नेत्र का दान करने से किसी को जो भ्रांतियाँ हैं कि पूर्व जन्म में ऐसे आँख नहीं आती है, ये गलत है। लोगों से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक नेत्र का दान करें जिससे कि अंधे और अन्य जो पुतली से संबंधित बीमारियों से जिनकी रोशनी चली। खबर बठिंडा से है जहां नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम में बठिंडा के CIA स्टाफ को उस समय सफलता मिली जब गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बठिंडा के मतिदास नगर को जाने वाले रास्ते पर पैदल जा रहे लीलाधर पर शक के आधार पर जब पुलिस कर्मचारियों द्वारा तलाशी की गई तो उससे 1 किलो 522 ग्राम अफीम बरामद हुई। जानकारी देते हुए DSP डी राकेश राजेश शर्मा ने बताया है कि नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत लगातार पुलिस द्वारा नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कार्रवाई के तहत राजस्थान के रहने वाले लीलाधर को करीब 1.5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। SSP साहब बठिंडा मैडम अमनीत कुंडल जी ने एक विशेष मुहिम चलाई है जो नशे के तस्कर ने गैर कानूनी कार्रवाइया कर दें। उस तहत कार्रवाई करते हुए इंचार्ज CA2 बठिंडा इंस्पैक्टर करमवीर सिंह ते उन्हां दी टीम ने कल एक बंदा जिहदा नाम लीलाधर शर्मा सन नारायण वासी पिंड तुंगड़ियां गंगानगर का रहने वाला वा उन्हूं कोरविज ITI तो जिहड़ा सूआ मतीदास नूं रस्ता जांदा वा उत्तों काबू किया वा। ये पैदल सीगा कानून के मुताबिक जाबते कार्रवाई करते हुए इहदे कोलों 1 किलो 522 ग्राम फीम बरामद हुई है। इहदे विरुद्ध मुकदमा नंबर 132 थाना सिविल लाइन दर्ज किया गया वा। सर हुण तक किन्ने मामले दर्ज है, किथे ने फीम सप्लाई करनी, किथों लै गया? मुढ़ली तफ्तीश तो यह स्पष्ट होया वा भी यह व्यक्ति ट्रेन राही आया सीगा। इहदे जो पुछगिछ दौरान यह स्पष्ट होया भी इहदे विरुद्ध 2 मुकदमे पहलां दर्ज है। 1 मुकदमा नंबर 154 STF मोहाली दर्ज है। यह 2023 दे विच दर्ज होया सी, उहदे विच 2 किलो फीम बरामद होई सी इहदे कोले। खबर सौसर से है जहां सौसर का पुरातन सिद्ध शिव मंदिर एवं हनुमान मंदिर पर अतिक्रमण किए जाने पर पिछले एक वर्ष से लगातार मंदिर समिति के लोग नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं। कई बार ज्ञापन आवेदन भी दे चुके हैं लेकिन किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इस मुद्दे को लेकर आज पूर्व विधायक राम राव महाले एवं मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा नगर पालिका परिसर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया एवं ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के अंदर अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो हम स्वयं तोड़कर अतिक्रमण हटा देंगे। धरने के दौरान नगर पालिका में कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं था, ना ही नगर पालिका CMO और ना ही पालिका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, कोई भी जिम्मेदार उस समय मौजूद नहीं था। आज ये धरना प्रदर्शन किस उपलक्ष्य में आपने रखा था? शिव मंदिर है बहुत पुरातन, उस पर अतिक्रमण हो गया है। जो उसका शिखर है वहां पर स्लैब भी डाल दिए किसी ने, कपड़े वहां डालते, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। और कई दिनों से वार्ड के लोग मांग कर रहे हैं कि वहां का अतिक्रमण हटाना चाहिए। लगभग 2-3 महीने हो चुके हैं। 2-3 महीने हुए है तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कुछ कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। हाँ, तो आज ये धरना आपने सांकेतिक रखा है। वही नवादा में आज जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर RP साहू ने अपने विद्यालय में छात्रों और छात्राओं के साथ शिक्षक दिवस मनाया। बता दें कि भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक और विद्वान थे। उन्हें वर्ष 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आज शिक्षक दिवस 5 सितंबर अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है।
उनको शुभकामना है। उनके द्वारा दी गई शिक्षकों के लिए, 12 वर्ष के शिक्षक हैं, सभी को शुभकामनाएं दी गई उनको, हमारे तरफ से भी, जीवन ज्योति परिवार की तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं उन सभी शिक्षकों के लिए जिन्होंने देश की सेवा में अपने अपने अच्छे अच्छे बच्चों को दिए, अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक को दिए और बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा किए, उन शिक्षकों को मैं नमन करता हूँ और उन्हें बधाई भी देता हूँ जिन्होंने देश के लिए अच्छे अच्छे विद्यार्थी दिए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए और वैज्ञानिक बनाए और देश की सेवा में है, और जो चले गए हैं उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज शिक्षक दिवस 5। वहीं छतरपुर जिले के बक्सवाहा तहसील में धर्मपुरा मौजा के लीलोनहार में भूमि विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। स्थानीय ग्रामीणों ने पटवारी आनंद चौरसिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं और शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। स्थानीय निवासी लालचंद्र राठौर समेत अन्य सह खातेदारों का कहना है कि 2017 से 18 में उनकी भूमि का वैध सीमांकन और तरबीन की गई थी। हाल ही में फर्जी तरीके से खसरा नंबर 215 पर सीमांकन और तरबीन किए जाने का आरोप उन्होंने लगाया है। ग्रामीणों का दावा है कि पटवारी ने अन्य के नाम पर अवैध सीमांकन किया है। आरोप ये भी है कि पटवारी कार्यालय में कई बार जाने के बावजूद पटवारी अनुपस्थित रहते हैं और फोन भी नहीं उठाते। इसके अतिरिक्त पटवारी पर सरकारी कामकाज के लिए रुपयों की मांग और धमकी देने का भी ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से, भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों का यह कहना है कि जो मध्य प्रदेश में यह जमीन का गोलमाल खेल जो चल रहा है, आज हम लोग बक्सवा आए ज्ञापन देने के लिए। हमारे भैया लालचंद राठौर की जो जमीन थी उस पर पहले सीमांकन हो चुका था, लेकिन फर्जी तरीके से दोबारा सीमांकन किया गया जिसमें इनकी जमीन को हथिया लिया गया है फर्जी तरीके से, और न किसी को आजू बाजू के किसानों को कोई सूचना नहीं दी गई और बिना मौके पर जाए ही सीमांकन कर दिया गया है, जिसका ज्ञापन आज यहाँ पर देने आए हैं। यहाँ पूरा गोलमाल चल रहा है छतरपुर जिले में, किसी की जमीन किसी के नाम कर दी जाती है पन्नों में और वहाँ मौके पर कोई नहीं जाता। अगर ऐसा नहीं, फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज।